आर्मी की भर्ती दे रहे युवाओं ने टावर चौक पर प्रदर्शन करते हुए लिखित परीक्षा और नियुक्ति की मांग की है। आर्मी की परीक्षा नहीं होने से छात्रों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में आर्मी छात्र एकत्रित हुए और टावर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और कोठी पैलेस पहुंचकर धरना दिया। आर्मी की भर्ती मार्च में देवास में रनिंग हुई थी 21 मार्च को देवास में रनिंग हुई थी। उसके बाद फिर 25 दिन का समय लेके इनकी एग्जाम होनी थी, फिर लॉकडाउन लग गया। 8 अप्रैल से लॉकडाउन लगा, उसके बाद लॉकडाउन से अभी तक उनकी एग्जाम नहीं हुई है। अभी 6 बार पोस्टपोन हो गई है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी एग्जाम ले, क्योंकि बच्चे भी ओवर एज हो रहे हैं। और इसके बाद अब जैसे यदि बच्चा फेल हो जाता है, यदि स्टूडेंट फेल हो जाता है, तो फिर अगली भर्ती के लिए उसके पास कोई समय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओवर एज हो गया है। यदि ऐसी डेट आगे बढ़ाते जाएंगे तो 21 साल जीडी के लिए लास्ट भर्ती रहती है, और यदि वो ट्रेडमैन से करता है तो ट्रेडमैन से फिर उसकी 23 साल रहती है। बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि जल्दी जल्दी इनकी भर्ती लें, जिसके कारण यदि ये दूसरी एग्जाम भी आगे दे पाए। कितने युवा है जो अभी 2000 युवा हैं अभी जो फिजिकल पास हो चुके हैं, देवास भर्ती में फिजिकल पास हो चुके हैं। कब हुई थी? 21 मार्च को हुई थी 2021 में, और अभी तक उनका कोई भी ना तो नोटिफिकेशन आया है वेबसाइट में। 15 जिलों की रनिंग हुई थी, 15 जिलों की एग्जाम लेनी थी, पर 15 जिलों की अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। इसके कारण दूसरी एग्जाम भी चल रही है। जो नए बच्चे भर्ती कर रहे हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी एग्जाम आई नहीं रही।